जिनका नाम लेते ही आपत्ति आशीष रूप बन जाती है, जिनका नाम लेते ही अनंतानंत कर्मों का नाश होता है, जिनके नाम मात्र से अनेक चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिनका नाम लेते ही अनेक भक्तों का दिल जोर से धड़कने लगता है, ऐसे तीन लोक के नाथ गिरनार मंडन, शिवा देवी नंदन, राजुलना तारणहार, परमात्मा श्री नेमिनाथ भगवान की एक रहस्यमय घटना को देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। नेमिनाथ दादा के भक्तों के लिए इस वीडियो के अंत में एक अति सुंदर घोषणा भी है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नेमिनाथ दादा के सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद 9 भव हुए। आज हम उनके पांचवें भव में जाएंगे और देखेंगे कि नेमिनाथ दादा की आत्मा में, एक तीर्थंकर आत्मा में, वीरता के साथ साथ करुणा किस प्रकार मिश्रित थी। जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह के सिंहपुर नगर में राजा हरिनंदी और उनकी पटरानी प्रिय दर्शना का पुत्र अपराजित राजकुमार यानी नेमिनाथ दादा की आत्मा, उनका पांचवा भव। इस भव में एक और व्यक्ति जुड़ता है, मंत्री पुत्र विमल बोध। समान उम्र होने से विमल बोध अपराजित का अंतरंग मित्र बन गया था। अपराजित के लिए पराक्रम और पुण्य राह ही देख रहे थे। दोनों ने रात में एक जंगल में प्रवेश किया और वही थोड़ी दूर पर एक देवी के मंदिर से एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी, यह पृथ्वी निरपुरुष हुई है। अपराजित और विमल बोध को लगा कि शायद कोई स्त्री संकट में है, इसीलिए इस तरह से विलाप कर रही है, हमें तुरंत उसे बचाने हेतु जाना चाहिए। दोनों वहां पहुंचे, वहां अग्नि प्रज्वलित थी और पास में एक स्त्री विलाप कर रही थी। यदि कोई पुरुष है तो मुझे इस अधम विद्याधर से बचाए। वही पास में एक विद्याधर तीक्ष्ण शस्त्र हाथ में लिए खड़ा था। अपराजित ने यह दृश्य देखकर उस विद्याधर को ललकारा कि इस अबला स्त्री पर शस्त्र चलाने में कोई मर्दानगी नहीं है, आपको मर्दानगी का गर्व हो तो मेरे साथ युद्ध करो। विद्याधर ने चुनौती स्वीकार की, भयंकर युद्ध शुरू हुआ। सत्य असत्य की लड़ाई में जिस तरह हर बार अंत में जीत सत्य की ही होती है, उसी तरह यहाँ पर भी न्याय के पक्ष से युद्ध कर रहे अपराजित की जीत हुई। अपराजित के प्रहार से वह विद्याधर मूर्छित हुआ। यहाँ तक तो सब ठीक था और सामान्य ही था, लेकिन इसके बाद जो होता है उससे पता चलता है कि एक सामान्य आत्मा में और एक तीर्थंकर आत्मा में क्या फर्क होता है। अपराजित सज्जन शिरोमणि थे, वैर भाव से मुक्त थे। जिस सिचुएशन में जो रोल निभाना उचित हो वह निभा लिया, लेकिन सिचुएशन या घटना पूरी होने के बाद उसका भार सर पर या हृदय में नहीं रखा। मान लो कि तरंग उठी, शांत हुई और फिर से पानी स्थिर। सरल भाषा में कहे तो न्याय के पक्ष से युद्ध किया, लेकिन युद्ध के बाद विरोधी पक्ष से किसी भी तरह का वैर भाव नहीं। विद्याधर को बेहोश हुआ देखकर अपराजित ने विजय का आनंद या अहंकार व्यक्त करने के बदले उसे फिर से भान में लाने का, यानी कि उसे होश में लाने का प्रयत्न किया। युद्ध था, लड़ लिया, अब व्यक्ति मूर्छित है, पीड़ा में है, तो अब मेरी भूमिका उसे पीड़ा से मुक्त करने की होनी चाहिए। इस तरह की सोच रखते थे अपराजित। देखने जाए तो यह सोच हमारी कल्पना से बाहर की है। अपराजित के प्रयत्न से विद्याधर भान में आया। अपराजित ने कहा कि पराक्रमी व्यक्ति कभी भूल से पराजित हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पराक्रम कम हो गया। हो सकता है कि मैंने मेरे भाग्य से एक बार विजय प्राप्त की हो, इसीलिए आप पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। आपको एक और मौका तो मिलना ही चाहिए। युद्ध किया, हराया, सामने वाला बेहोश, फिर से जगा कर कह रहे कि युद्ध करना चाहते हो तो एक बार फिर से कोशिश करो। सामान्य व्यक्ति तो मौका देखकर चौका मारने का ही प्रयत्न करता है। बेहोशी की हालत में है तो हत्या भी की जा सकती थी, लेकिन तीर्थंकर आत्मा थी। विद्याधर भी खानदान घराने का था, मोहनीय कर्म के आवेश से भले ही उसने गलत कदम उठाया था, लेकिन जीव उत्तम था। उसने कहा कि आपने मुझे पराजित कर अच्छा किया, मैं स्त्री हत्या के पाप से और उससे होने वाली नरक गति से बच सका। खानदानी कुल में जन्म लेकर भी ऐसा घटिया कार्य किया है मैंने, इसके लिए अब मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, लेकिन इस निमित्त से आप जैसे महापुरुष के दर्शन हुए इस बात का आनंद है। अपराजित सोचते हैं कि अब विद्याधर मोहनीय कर्म की निद्रा में था, थोड़ी गहरी नींद थी, इसीलिए युद्ध रूपी कई प्रयत्न के बाद नींद उड़ी, लेकिन उड़ी जरूर, इसीलिए अपने गलत कार्य के प्रति उसे अफसोस हो रहा है। फिर विद्याधर ने कहा कि मेरे कपड़े के सिरे में एक मणि और मूली का यानी वनस्पति का मूल रहा हुआ है, आप मणि पर पानी का अभिषेक करो और उस पानी में फिर मूल को घिसकर मेरे घाव पर लगाओ। अपराजित ने ऐसा किया तो विद्याधर के घाव तुरंत ठीक हो गए। स्वस्थ होकर विद्याधर ने कहा कि मैं श्रीसेन विद्याधर का सूरकांत नामक पुत्र हूं,
प्रभु। यह स्त्री रतनपुर नगर के राजा अमृत सेन की पुत्री रत्नमाला है। उस राजा ने किसी ज्ञानी को इस राजकुमारी के वर यानी कि इसके पति के विषय में पूछा था, तो ज्ञानी ने बताया था कि हरिनंदी राजा के पुत्र अपराजित राजकुमार इसके पति होंगे, इसीलिए यह राजकुमारी उस राजकुमार अपराजित के प्रति अत्यंत अनुराग वाली हो गई। किसी और को पति के रूप में सोचने के लिए भी तैयार नहीं थी। एक बार मैंने इसको देखा तो इसके रूप से आकर्षित होकर विवाह की बात कही। तब राजकुमारी ने कहा कि ज्ञानी ने मेरे पति के रूप में हरिनंदी राजा के पुत्र की बात कही है, इसीलिए मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, नहीं तो अग्नि में जलकर मर जाऊंगी, लेकिन दूसरे किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। यह रत्नमाला और कोई नहीं बल्कि राजुल माता की ही आत्मा है। विद्याधर ने आगे कहा कि कभी भी ना नहीं सुनने की आदत वाला मैं इस प्रकार ना या इनकार की बात सुन ना सका। मैंने विविध उपायों से विद्याओं का भय दिखाया, अनेक प्रलोभन दिए, लेकिन यह राजकुमारी नहीं मानी, इसलिए क्रोधित होकर इसे यहाँ उठाकर ले आया और तय किया कि अंतिम प्रयास के बाद भी यदि नहीं मानी तो इसके टुकड़े टुकड़े कर इसी अग्नि में इसे होम दूंगा। यह तो मानी नहीं, लेकिन आपने समय पर आकर उसे मरने से और मुझे दुर्गति में जाने से बचा लिया। इस प्रकार आपने हम दोनों पर उपकार किया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस समझने जैसा है। शास्त्र में कहा गया है कि काम से यानी वासना से या वासना के भाव से क्रोध प्रकट होता है। यदि एक पक्ष के वासनामय प्रेम को दूसरा पक्ष स्वीकार नहीं करता है, तब वह प्रेमांध व्यक्ति आवेश में आकर या तो खून करता है, या तो गला घोटता है, या तो एसिड डालता है, या फिर जबरदस्ती दुष्कर्म पर उतर आते हैं। इसके पीछे का गणित ये है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। अस्वीकार करने वाली प्रेमिका या तो जिंदगी भर दुखी होनी चाहिए या तो जीवित ही नहीं रहनी चाहिए। ऐसी क्रूर निर्दय मनोभूमिका एक पक्षीय प्रेमी की होती है। मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसी मनोभूमिका वाले किसी भी हद तक नीचे उतर जाते हैं। विद्याधर ने आगे कहा कि मैंने अपना परिचय दे दिया है, अब आप बताइए आप कौन है। पास में खड़े मंत्री पुत्र और खास मित्र विमल बोध ने अपराजित का पूरा परिचय दिया। रत्नमाला भी सब कुछ सुन रही थी। विमल बोध ने कहा कि यही है राजा हरिनंदी के पुत्र अपराजित कुमार। रत्नमाला तो अचानक इस प्रकार प्रियतम से मिलने की खुशी में खुशखुशाल हो गई। उसे लगा कि मेरे लिए तो आपत्ति भी संपत्ति रूप बनी और मेरा भाग्य जाग उठा कि ऐसे मरणांत आपत्ति में से बचाने वाले मेरे भावी पति ही है। कोई और बचाता तो न जाने क्या होता। वास्तव में कुदरत भी सत्वशाली और सतियों के पक्ष में रहती है और उनकी भावना, उनकी आबरू, उनकी इच्छाओं का अनुरक्षण करती है। रत्नमाला ऐसा सोच रही थी तभी पुत्री के अपहरण से शोकग्रस्त बने हुए पुत्री कहाँ हो, पुत्री रत्नमाला कहाँ हो, ऐसी पुकार के साथ आंखों में आंसू लिए रत्नमाला की माता कीर्तिमती और पिता अमृत सेन वहां पर आए। पुत्री के प्राणों और शील सुरक्षित जानकर आनंदित हुए और पुत्री के भावी पति नहीं पुत्री की रक्षा की है यह जानकर अति आनंदित हुए। दोनों ने वहीं पर पुत्री का अपराजित राजकुमार के साथ विवाह किया और उदार दिल अपराजित की सलाह से सूरकांत विद्याधर को अभयदान भी दिया। कुछ इस तरह से पांचवे भव में नेमिनाथ दादा और राजुल माता का मिलन हुआ था। हमने नेमिनाथ दादा की कथाएं पढ़ी होगी, लेकिन उनका एक एक प्रसंग दिमाग में न बैठे ऐसे अद्भुत एनालिसिस के साथ नेमी निरंजन नामक नेमिनाथ दादा के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई अद्भुत पुस्तक से यह एक प्रसंग हम सभी ने देखा है। पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय श्री अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने नेमिनाथ दादा के 9 भवों को एक से एक एनालिसिस के साथ वर्तमान में घट रही घटनाओं के साथ जोड़कर तुलना कर यह पुस्तक हम सभी के लिए लिखी है। अभी हमने इस वीडियो में जो भी एनालिसिस या कंपैरिजन देखा है वो भी इसी पुस्तक से लिया गया है। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ दादा का संपूर्ण जीवन, उनकी रहस्यमय घटनाएं एक नए अंदाज के साथ, एक अनोखे एनालिसिस के साथ जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए नेमी निरंजन नामक इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। यह अद्भुत पुस्तक हिंदी और गुजराती भाषाओं में उपलब्ध है और हम परिवार के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके वहां से यह पुस्तक प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए या इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा।
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।